हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी टमाटर वाली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैं मेहनत फुल कर रही हूँ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरा किचन पार्ट अच्छा नहीं लगता है तो मुझे बताइएगा। कल मैंने आप लोगों ने मेरे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे मेरे लिए, सच में गाइस बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि उन आप लोगों ने सही सही बात बोली थी, झूठ नहीं। क्योंकि जो चीज़ मैंने कल शेयर करी थी वो सबके साथ ही होता है, लेकिन कुछ लोग कैमरे के पीछे झूठ बोलते हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं, ऐसा होता है। बट आप लोगों ने अपनी सही सही बात शेयर करी, थैंक यू सो मच। और वंस वंस करके मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मेरे पास भेजी है उत्पम की रेसिपी, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर डाली नहीं है, तो आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर करूँगी। कल परसों मैं एडिट कर लूँगी। एक्चुअली में वो मेरे दूसरे फ़ोन में है तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो वाले फ़ोन में ली नहीं है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उनकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारी उन्होंने प्लेटिंग करी है गाइस, बहुत ही प्यारी। तो थैंक यू सो मच आरती कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपनी रेसिपी मेरे को शेयर करी। तो आप लोग भी अगर अपनी कोई भी रेसिपी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो कि मैं और लोगों के साथ ये वो वीडियो ऐड करूँ, तो मुझे आप लोग अपना अपने इंस्टाग्राम पर ऐड करिए और अपनी रेसिपी या कुछ भी चीज़ वीडियो, छोटी मोटी वीडियो होती है वो शेयर करिए, मैं अपनी वीडियोज़ में डालूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना बन गया है। मैंने बनाए हैं आलू की सब्जी, खीरा और रोटियाँ। तो आप लोग भी खा लीजिए, भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों से, तो मैंने सोचा कि लाओ खा लेते हैं और फिर आप लोगों से बातें भी करनी है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आप लोगों के लिए आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और देखिए यहाँ पर मेरी रोटी प्लेट लग गई है, तो आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों से पूछने का फ़र्ज मेरा बनता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो प्लेटिंग है वो हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए, जो कपड़े उठाने के लिए जो कि मैंने वॉश किए थे। तो यहाँ पर देखिए बादल हो रहा है, काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे हाथ में फ़ोन लग रहा है, तो मैं हाथ से ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको हिले डुले दिखाई दे, बट प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बादल हो रहा है, बारिश के चांस हो रहे हैं, गर्मी भी काफ़ी तेज़ बढ़ चुकी है। और आप लोगों से एक बात बोलूँगी, कल की वीडियो में मैंने बोला था कि अभी वैक्सीन नहीं बनी है, मतलब कि वैक्सीन नहीं बनी है कोरोना की। तो मैंने आपसे बोला था कि बनी नहीं का मतलब ये नहीं है कि रिसर्च नहीं हो रही, वैक्सीन की रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी कोई 100% पास नहीं हुई है जो कि गवर्नमेंट उतारे, मतलब कि लोगों को लगाने के लिए परमिशन दे दे। बहुत सारी कंट्रीज़ में वैक्सीन बन रही है, पास हो रही है, फेल हो रही है, टीवियों में भी दिखाई जा रही है, यहाँ पर बन रही है, वहाँ पर बन रही है, बहुत सारी दिखाई जा रही है, न्यूज़ में भी दिखाई जा रही है, बट 100% पास होकर जब लोगों की लगने लगेगी उसे हम वैक्सीन बोलेंगे। पता है कल मेरे से कमेंट है वैक्सीन बोलेंगे अगर जो पास हो जाएगी 100%, लास्ट स्टेज के बाद जो पास होगी उसे हम बोल सकते हैं कि वैक्सीन है। ये नहीं है कि जो रिसर्च हो रही है अभी उसे ही हम वैक्सीन का नाम दे दें, ऐसा नहीं होता है। और वैक्सीन बनने में बहुत टाइम लगता है, हंसी खेल नहीं है, जो कि कोई खिलौना नहीं है जो मशीन में डाला और बन गया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत आर्ग्यूमेंट करे, फिर एंड में जाकर उन्होंने अपने ही कमेंट रिमूव कर दिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मेरे को ना कोई बात बुरी नहीं लगती है। एक कमेंट आया कि आपको उन्होंने समझाया, भाई समझाया है तो गलत चीज़ पर क्यों समझा रही हूँ, तुम गलत हो, तुम गलत चीज़ पर आर्ग्यूमेंट कर रही हो और फिर तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूँ, अगर मेरी कुछ मिस्टेक है अगर। और फिर समझाने का तरीका भी होता है। फिर उन मैडम ने अपने कमेंट ही डिलीट कर दिए, लेकिन उनको ये नहीं पता जब हम लोग कोई भी कमेंट करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन में, चाहे आप कमेंट डिलीट भी कर दोगी ना तब भी हमारे पास वो कमेंट रहता है, बिकॉज नोटिफिकेशन में हमें वो आ जाता है। तो ये है मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो। तो मैंने यहाँ पर बना रही हूँ खाना और मेरा जो भी खाना है वो बन चुका है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसी अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि ये कोरोना से ज़्यादा ये लोग जल्दी फैलते हैं, इन लोगों से तो बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि इनकी तो कोई भी वैक्सीन ही नहीं है। कोरोना की तो वैक्सीन बन भी जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों की कोई भी वैक्सीन नहीं है जो कि बहुत जल्दी फैलते हैं और अपनी जो कहते हैं ना
ओवर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, ओवर इंटेलिजेंस दिखाते हैं, ज़्यादा ही दिमाग चलाते हैं अपना। न्यूज़ पर आ रही है, मैंने माना है कि न्यूज़ पे आ रही है, लेकिन वो 100% दावा नहीं कर रहे हैं कि वो सक्सेस होगी ही। आज तक पर भी आती है न्यूज़ पर, तो ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस होगी। जब सक्सेस हो जाएगी 100%, 1, 2, 3 तीनों स्टेज पार कर जाएगी, तीनों ट्रायल पार कर जाएगी, और जब पास हो जाएगी तब जाकर गवर्नमेंट और तब जाकर ये सब हामी मिलेगी हम लोगों को लगाने की। ये नहीं है कि अभी ट्रायल हो रहा है या रिसर्च हो रही है और उसको हम बोल रहे वैक्सीन हो बन गई, वैक्सीन बन गई। बहन गलत फहमी मत फैलाओ, अगर ज़्यादा नॉलेज मत लो, थोड़ी बहुत ही नॉलेज लो, बहुत फ़ायदा रहेगा। लोगों को गलत फहमियाँ मत फैलाओ कि हाँ ये काम हो गया है। और मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं तो गलत चीज़ फैला ही नहीं सकती कि हाँ इस चीज़ की वैक्सीन बन गई है। अगर मैं ये बोल दूँ ना कि कोरोना की वैक्सीन बन गई तो मुझे ही पागल बताएंगे लोग, क्योंकि अभी कोई भी वैक्सीन पास ही नहीं हुई है। 100% पास हो जाएगी उस दिन हम लोग भी खुश होंगे, हमें क्या कोरोना अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। तो बस यही है, तो मैं यही बोल रही हूँ प्लीज़ गलतफहमी मत फैलाओ। अभी कोई वैक्सीन पास नहीं हुई है, 100% पब्लिक के पास नहीं आई है, और आज तक न्यूज़ वाले भी यही बोल रहे हैं। ट्राई सब लोग कर रहे हैं, सब देश ट्राई कर रहे हैं, बट रिज़ल्ट जो बोलते हैं ना 100% रिज़ल्ट, वो नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ घर पर रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों की हेल्प करिए खाने पीने में, मज़दूरों की हेल्प करिए। और बहुत ही बुरी कंडीशन है तो चेकआउट करिए। और मैं बीवी के वाइंस की वीडियो देखिए, बीवी के वाइंस ने जो वीडियो बनाई है कल हाउस हेल्पर को लेके, हाउस हेल्परों की क्या कंडीशन है, जिन जिनसे हम लोगों का घर चलता है, हम लोगों का काम वगैरह नहीं होता है बिना हाउस हेल्पर के। और उन हाउस हेल्पर से उनके मालिक वगैरह ये भी नहीं पूछ रहे कि तुम लोग किस कंडीशन में हो, जब से कोरोना आया है तो वो लोग हाउस हेल्परों की इतनी बुरी कंडीशन है। बीवी की वाइंस की आप लोग कल की वीडियो देखिएगा, उन्होंने मतलब बातचीत करी है हाउस हेल्परों से, तो उसमें बताया है कि हमारे जो मालिक हैं जब से कोरोना आया उन्होंने एक भी बार ये नहीं पूछा कि हम किस हालत में हैं। तो ये चीज़ गलत है। जब आप लोगों को हाउस हेल्पर की ज़रूरत होती है तब तो आपको काम पे रखते हो, और जब ज़रूरत ख़त्म तो आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप लोगों पे खाना खाने के लिए है या नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। मेरे यहाँ हाउस हेल्पर नहीं है माना, लेकिन जिन्हों के यहाँ है प्लीज़ उनकी थोड़ी बहुत केयर करिए यार। उनके पास आप लोगों के घर में काम करने के सिवा कोई काम तो है नहीं, तो उनके पास इनकम का सोर्स भी कोई नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, अपने खीरे काट रही हूँ सब्जी के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मैंने छील विल के रख लिए। अपने हस्बैंड भी मेरे आ रहे होंगे तो उसके लिए मैं कट कर दूँगी यहाँ पर। आप लोग बोलते हो मैं एक बात को खींच देती हूँ, मैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग रखना नहीं चाहती कि कोई इंसान कुछ गलत समझे मेरे लिए, तो मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ। जो भी बात होती है मैं क्लियर कर देती हूँ। और मेरे हाथ जल गया है, काफ़ी लोग मेरे जले हाथ का मजाक बनाते हैं, मेरे गले पर जो स्पॉट है उनका मजाक बनाते हैं। कोई नहीं, क्योंकि ये एक्सीडेंट, छोटे मोटे एक्सीडेंट बचपन में सबके साथ हो जाते हैं, भगवान ना करे किसी के साथ इन फ्यूचर हो, क्योंकि ये भी एक एक्सीडेंट है, मेरे साथ हुआ है। मेरे स्किन को परेशानी होती है, मैं छोटे पर जल गई थी खेलते खेलते, तो मेरे साथ ये हुआ है, तो मुझे पता है कि मैं कितनी परेशान रहती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे जो कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और इसके बाद जो भी मेरे छत पर आज मैं डालने नहीं गई बिकॉज़ ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैं यहीं पर डाल दूँगी जो भी है। और भगवान से दुआ कीजिए कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए। और हाँ, एक कमेंट आया था कि मुझे घमंड आ गया है, तो उन्होंने बोला था एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले चैनल खोला है, आप उनकी हेल्प कर दो, आप को घमंड आ गया है सब्सक्राइबरों की वजह से ही आपको हो, और आप किसी की हेल्प नहीं करती हो। तो मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी है, और आखिरकार मुझे एंड में जूता मिला है। मतलब जूते का मतलब है कि लोग ये बोल देते हैं कम्युनिटी पर तो डाल दी थी, चैनल तो पिन कर दिया था, क्या कर दिया, ऐसे मेरे वाले में गलत सलत बोलते हैं, मेरे पीछे मेरी ही बुराइयाँ करते हैं। तो इसलिए भाई मैं, और अभी मेरा चैनल बहुत डाउन है, इसलिए मैं किसी की हेल्प नहीं कर रही हूँ, सो प्लीज़ सॉरी। बट मैं ऐसा नहीं है कि घमंड आ गया, मुझे घमंड नहीं आया है, अभी मेरा चैनल बहुत ही डाउन है। और वो मेरे चैनल पर बहुत ही कम कमेंट करती हैं, या फिर एक या दो बार, कभी एक हफ्ते में एक बार या दो बार कर दिया तो कर दिया, वैसे नहीं करती हैं। तो मेरे को भी याद रहती है कि मेरे कौन से रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और कौन से कभी कभी देखते हैं, तो
ऐसा है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, दीयू से बात करती जा रही हूँ। और देखिए धूप कितनी ज़ोर से निकल आई है। और ये कपड़े मैंने मॉर्निंग में इसलिए धुल दिए थे क्योंकि आफ्टरनून में मन नहीं करता, खाना खाने के बाद ऐसा मन करता है कि मैं सो जाऊँ। तो ये इसीलिए ये 3 दिन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मेरा अभी ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई हूँ मैं, एक घर में बंद होकर रह गई हूँ, ना मम्मी के जा पा रही हूँ ना कुछ, और गर्मी भी काफ़ी तेज़ बढ़ चुकी है। और न्यूज़ को देखती हूँ तो बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। और कल एक कमेंट आया था, उन्होंने तो सारे हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं, उसी लड़की ने जो कोरोना के बारे में बोल रही थी वैक्सीन बन गई है, उस लड़की ने सारे ही न्यूज़ चैनल को, सारे न्यूज़ चैनल जो आते हैं उनको झूठा साबित कर दिया। बोले थी आप इंडिया न्यूज़ चैनल देखती हो इसलिए कुछ पता ही नहीं है आपको, इंडिया न्यूज़ पे झूठी चीज़ें दिखाती हैं। वाह, कितने मतलब जिस देश में हम रह रहे हैं उसी देश की हम लोग बुराई कर रहे हैं, उसी देश की हम इंसल्ट कर रहे हैं, क्या जमाना आ गया। मतलब कुछ भी जो भी मन आता है वो करते हैं यार, कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो भी है, मैंने गेट वगैरह है तो वो बंद कर दिए हैं। और दीव यहाँ पर कूड़ा फेंकने गई थी डस्टबिन का, तो बाहर को कूड़ा फेंक कर आ चुकी है, यहाँ पे मेरे पीछे पीछे घूम रही है, उसको नहाना है। तो बोली मम्मी मेरे कपड़े उतार दो, और ये कपड़े सूख गए हैं या नहीं सूखे हैं। आप लोगों को पता है दीव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करती है, आप लोगों को पता ही है, कुछ क्वेश्चन करना भी ठीक रहता है, उससे पता है क्या होता है, बच्चे का माइंड डेवलप होता है। जब बच्चा क्वेश्चन करता है आप आंसर देते हो तो उसके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। और मेरी दीयू से मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। कई लोग बोलते हैं 4 साल की बेटी से क्या शेयर करते हो, भाई मेरी बेटी बहुत समझदार है, कुछ कुछ बातों में भी वो समझदार नहीं है, लेकिन उसकी आदत है कि वो क्वेश्चन पूछती बहुत है और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी बहुत तो देखो बच्चे से गलती होती है, वो नहीं समझ पाती है कौन है क्या है, और वो ज़्यादातर सबको मौसी और मामा ही बोलती है, लेकिन उसका भी मजाक बनाया जाता है कि वो मौसी बोलती है सबसे। मेरी बेटी इतनी सीधी है ना गाइस, आप लोगों को बताऊं कि वो अगर उसको आप दिल से एक बार प्यार भी कर लोगे ना, गले से भी लगा लोगे ना, तो वो ज़िंदगी भर आपको प्यार करेगी। तो फिर भी लोग मजाक बनाते हैं, भगवान देख रहा है, कोई बात नहीं है, बच्चे भी बहुत किस्मत से मिलते हैं। और कल मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका कोई बेबी नहीं है, तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि उनको बेबी हो जाए, क्योंकि बेबी हर किसी का बच्चा नहीं मिलता है, और जिसको बच्चा नहीं होता है उसका दर्द वही समझ सकता है कितना बुरा लगता है। मैं भगवान को थैंक यू भी बोलती हूँ कि मुझे इतनी प्यारी सी गुड़िया उन्होंने दी ज़िंदगी में, और मैं जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, और बहुत प्यारे से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो दीयू जैन एवरटीन के, और मैं उनसे डेली पैंटी लाइनर, इसका काम होता है आपके वाइट डिस्चार्ज को, आपके गीलापन नहीं होगा इसे यूज करके, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसको आपको गीलापन नहीं लगेगा। गंदे गंदे अगर आप पीरियड से हो गए अचानक से नहीं पड़ता, तो भी आपके लिए थोड़ा बहुत काम करता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, जाकर बाय कर सकते हैं। आप लोग इसे डेली यूज करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल होगा, आपको गीला अपन काफी लोगों का बहुत सारा डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको काम करने में, एक कंफर्टेबल फील नहीं होती है। तो अगर आप लोग ये यूज करते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाय करने के लिए रिलेशन की कदर नहीं करता, और मेरी बेटी आप लोगों से जिनको उसने देखा भी नहीं है, जानती भी नहीं है, उनका वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग समझ ही लीजिए, मेरी दिया बहुत ही दिल की साफ है गाइस, बहुत ही। और जिसको मजाक बनाना है बनाता रहे, भगवान देख रहा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा जरूर, तो कोई बात नहीं है, वक्त सबका बदलता है। आज मेरी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है तो मजाक बना ले दो, कल को मेरी थोड़ी सी कंडीशन सही हो जाएगी तो भगवान हो सकता है उनका मजाक बना दे। तो यहाँ पर पता है दीयू डांस कर रही थी, आप लोग देख सकते हो, साड़ी पहन ली, साड़ी का मतलब ये जो साड़ी है ना वो पल्लू है ना दी, मैंने ना आसन, जो आसन होता है ना पैरदान जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने ना निकाली थी, लेकिन दीयू ने ना इसको चीरने नहीं दिया। भाभी रहती है ना मेरे साथ जो रहती थी, तो उनके साथ वो मतलब कि उन्होंने कहा था मैं बना दूँगी, आप चीर मतलब उसको टुकड़े टुकड़े कर दो, बट मैं बना ही नहीं पाई। और मैं मतलब मुझे इसने करनी नहीं थी दीयू ने, दीयू साड़ी पहनने का, फ्रॉक पहनने का, चूड़ी पहनने का, लिपस्टिक लाने का बहुत शौक है, तो बस मैं कर नहीं पाई और दीयू ने ये देखिए क्या हालत कर दी है। तो यहाँ पर देखिए दीयू डांस कर रही है और ट्राईपॉड को खिसका के लेके आ चुकी है। और मैं यहाँ पर आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ रही थी मॉर्निंग के टाइम, मैंने भी पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले कमेंट पढ़ लेती हूँ आप लोगों के जो प्यारे प्यारे आप लोग करते हो।
तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। और आप लोग पूछ रहे थे दिशा क्यों नहीं दिख रही है आपके व्लॉग में, तो दिशा भी जल्दी मेरे व्लॉग में आएगी और आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी करती है वो।